जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों, नंदगांव की ओर जा रहे हैं। और नंदगांव पथमेड़ा के द्वारा स्थापित वो संस्था है जहाँ पर आज का वृंदावन कह सकते हैं। और गो माता के लिए जितने सुंदर कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, इससे अद्भुत कुछ नहीं। शाम का समय ढलने वाला था, जैसे सूरज छिपने लगा वैसे ही हमारी यात्रा का पड़ाव नंदगांव के नज़दीक पहुँचने को हुआ। अब डर लग रहा है। भरत भाई खेत में आ गए हैं। क्या करे, खेत में आ गए। शिटी, तो यहीं से दिखा रहा है। यहाँ से ना पड़ेगा। ओह माय गॉड, किसी खेत में आ गए, पता नहीं कहाँ आए। रास्ता मदद हो गया, पता नहीं क्या हुआ। चलो चलते हैं जहाँ अभी तो जहाँ मंजिल ले जाती है। बार बार कहते हैं ना कि वो खतरे वाली बात है, रास्ते मैप के भरोसे होते हैं। मैप के भरोसे होते हैं ना, कई बार हम कहते हैं गूगल काम नहीं करता, तो वाकई गूगल काम नहीं करता है। गूगल आपको धोखा देता है। नेविगेशन पूछ लेना चाहिए था किसी को। हाँ, किसे पूछ लेना चाहिए था। हमें भाई यहाँ से जाए या ना जाए, रास्ता तो ऐसा है कि बस जंगल के बीच में चल रहे हैं। पूछो भी तो कहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी ये मेरे को देखिए 9 मिनट दिखा रहा है, लेकिन तो पूछो कहाँ, आप कुछ आदमी दिखे तो पूछो ना। हाँ, इस वीराने में किससे पूछे, आप किससे पूछोगे। हाँ सीधे सीधे इससे इधर 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 अभी देखिए कहाँ दिखा रहा है। सीधे ही दिखा रहा है, सीधे दिखा रहा है। हाथ में भैया नेविगेशन लेके चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल है भाई, गौराष्ट्र यात्रा कहने के लिए यात्रा है, लेकिन सफर बड़ा मुश्किल है। भरत भाई रास्ते पर पहुंचे तो नंदगांव ही है। हाँ, पहुंचेंगे गेट तो, पर हाँ, तो ये गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अच्छा, हम दिखा रहे हैं कि पहुंच गए। पहुंच तो गए नंदगांव। अच्छा, गेट तो नंदगांव का ही है। खोलो भैया, उतरो, टाइट खोलेगा। आखिर हम पहुंच तो गए, पर वो गेट था जो कभी खुलता नहीं है। फिर यहाँ से वापस घूमकर लगभग 7-8 किलोमीटर वापस जाके हम दूसरे गेट पर पहुंचे, और वहाँ से हमें इस पवित्र भूमि में जाने का मौका प्राप्त हुआ। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें घटित होती है। आखिरकार रात को 9 बजते बजते हम पथमेड़ा गोधाम की नंद गाँव विश्कोशा जो कैंचुआ में यहाँ पहुँच गए। अभूतपूर्व जगह दोस्तों। यहाँ पर आकर जो मैंने महसूस किया ना, उसके बारे में मैं आपको कुछ बता। सुबह सुबह 26 जनवरी का दिन है, सभी भाइयों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हमने सोचा कि झंडारोहण हो रहा है यहाँ पे जो वेद विद्यालय में, उस झंडारोहण पे हमें जाना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ की गोमाता है जो आपको चारों तरफ दिख रही है, इन सभी के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पे जो प्रकल्प हो रहे हैं बहुत सारे, गोबर गोमूत्र के दवाइयाँ वगैरह, वो सारी चीज़ें आप सभी दोस्तों को दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर और विहंगम, चारों तरफ गोमाताएं और बीच में आप, उससे सुंदर कोई जगह हो नहीं सकती। और पथमेड़ा गोधाम का जो नंदगांव है, यहाँ पर जब भी मौका मिले आप जरूर जरूर आए। और अब हम पहुँचे हैं झंडारोहण की जगह, 26 जनवरी का झंडारोहण जहाँ हो रहा है गोमाताओं के बीच में, इस बार का गणतंत्र दिवस गोमाताओं के साथ। उतरते ही सुस्वागतम लिख के, क्योंकि वेदशाला भी यहाँ पे एक पाठशाला चलती है, उस पाठशाला की सुस्वागतम के बोर्ड के साथ में यहाँ पे हम अंदर आए। और यहाँ पर पूरी रंगोली बना के स्वागत का पूरा प्रबंध और सारी चीज़ें गणतंत्र दिवस की गई। तो गौशाला में कोरोना काल में जब लोग दूर भागते हैं, वहाँ पे गायों के बीच में कोई डर नहीं है। गोमाता जहाँ है वहाँ सब कुछ ठीक है। यह है पथमेड़ा का वेद विद्यालय, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, वेदों की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को तैयार किया जाता है, गौशालाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन सारी चीज़ों के साथ में अद्भुत प्रयास सदैव स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के द्वारा किए गए। और एक ऐसा स्थान यहाँ पर खड़ा हुआ है जो आने वाले समय में कुंभ होगा, प्रयागराज होगा, गोमाताओं के कार्य करने वाले लोगों के लिए अद्भुत जगह है दोस्तों। आखिरकार दीप प्रज्वलन कर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आखिर झंडारोहण कर 26 जनवरी के कार्यक्रम का शुभारंभ पथमेड़ा गौशाला के नंदगांव परिसर के अंदर किया गया।
सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी छोटे भैया साथ में किसी के हाथ से हाथ ताश ताश मिलाते हुए और धीरे धीरे कामयाबी के सफर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने शांति और धैर्य के साथ में अपना लक्ष्य भी प्राप्त किया और अनुशासन के साथ में अपना प्रदर्शन भी बताया। इन तीनों के लिए बहुत बहुत सभी तालियां बजाएं। मेरे सामने वो देख रहे हैं आप, जो शख्सियत जा रहे हैं उनका नाम भारत सिंह राजपुरोहित है। भारत जी जो है नंदग्राम इलाके में, हम लोग इस वक्त नंदग्राम में इन पहाड़ की वादियों के बेहद करीब प्रकृति की गोद में मौज ले रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, हल्की गुनगुनी धूप है और ऐसे वातावरण में देखिए, ये कभी नाला हुआ करता होगा, यहाँ पर बरसात के दिनों में पानी आता होगा। यहाँ पर भारत सिंह राजपुरोहित जो है प्रकृति के बीच आनंद ले रहे हैं। भारत जी जय गौ माता। तो इस स्थान के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ना आपने दर्शकों। आवाज़ आएगी, आवाज़ देख रहे के अंदर गोऋषि दत्तनारायण जी महाराज के द्वारा की गई थी। वहाँ पे वो गांव के बीच में थी, थोड़ा मतलब इतनी बड़ी जगह थी नहीं कि जाए, क्योंकि गायों के लिए जगह थी, गो विचरण की व्यवस्था ही थी, सारी चीज़ें। तब महाराज जी की इच्छा थी कि इतनी बड़ा स्थान हो जहाँ गायों के लिए चारा भी हो सके, गाय घूम भी सके। तब महाराज जी ने सोचा इस जगह के बारे में और इस जगह को धीरे धीरे 5,000 बीघे से खरीदना शुरू किया, बहुत बड़ा स्थान बना दिया, बहुत रमणीक स्थान है। आप देख सकते हैं चारों तरफ एंटर हुए थे तो एंट्री गेट था, फिर वहाँ पे अतिथियों के लिए था, फिर एक तरफ वेद विद्यालय है, ये इधर आप देख रहे हो जो फ्रूटों का प्लांटेशन सारा किया गया है और ऊपर सारे डैम बनाए गए, पानी सारा इकट्ठा होता है। और ये नदी है बीच में से जो पूरे जमीन के बीच में से चल रही है, ये सीधी बाहर निकल जाती है। कितना रमणीक बनाया है, आप पूरा गार्डन जैसे यहाँ पे डेवलप किया गया है, उधर आप पीछे देखें तो आरोग्य का वो थेरेपी सेंटर है जो आधारित चिकित्सा में किया जाता है। लास्ट में आपको बहुत सारे ग्रीन हाउस वगैरह दिख जाएंगे और इधर ये सिद्धों की कुटिया है, इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया है और लगभग आज 20,000 के लगभग गोवंश है। तो पथमेड़ा के द्वारा वहाँ पे जहाँ पथमेड़ा पुरानी है वहाँ पे लगभग 15,000 गोवंश है, यहाँ पर लगभग 20,000 है। इसके अलावा गोलासक जहाँ पे सिर्फ नंदी है वहाँ लगभग 30,000 नंदी है। तो एक बहुत बड़ी सेवा का प्रकल्प यहाँ पे महाराज जी के द्वारा किया गया, संवर्धन के विषय को, गाय के विषय को समझाना बताना और सारे कोशिश महाराज जी के द्वारा इस स्थान के माध्यम से शुरू की गई थी। तो ये बहुत बड़ा रमणीय स्थान है, आने वाले समय में लोगों के लिए गायों का तीर्थ होगा, ये बहुत बड़ा तीर्थ। ये तो बिल्कुल वैसा ही इलाका जैसा उत्तराखंड के पहाड़ होते हैं ना, ये काफी कुछ से हालांकि आप पहले 10 दिन रुक जाओ, आपका इतना कुछ है कि आप समय समय मतलब जो गाय पे काम करने जाते हैं समझे, गाय को गाय के साथ रहे, ग्वालों के साथ रहे, गाय के प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए। तो बहुत सारे प्रकल्प यहाँ किए गए, गोबर गोमूत्र की रिफाइनरी, तो हमने गोमूत्र की रिफाइनरी जो हम आपको दिखाएंगे वो भी यहाँ बनाई गई है। तो इससे तो बहुत बड़ा काम हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, आपको दिखेगा ये सारा नाला था, ये तो जब 10 साल पहले यहाँ ये बड़े बड़े टीले थे, पूरा लेवल करके कितना बड़ा डेवलपमेंट। आप पथमेड़ा गौशाला के जो चिकित्सा भवन है, पंचकव्य चिकित्सा भवन, जहाँ पे विभिन्न तरह की चिकित्सा की जाती है, तो वहाँ पर ये चिकित्सा भवन की बिल्डिंग बहुत जबरदस्त यहाँ पे चिकित्सा का कार्य किया जा रहा है। पंचकव्य आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सालय दे
स्वामी दत्तनारायण जी महाराज के द्वारा इस नंदगांव की स्थापना की गई थी। और नंदगांव इसको बिल्कुल नंदगांव ही कहेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ये जो नंदगांव की गौ माता है, सुंदर सुंदर गाय है सारी, और गौ माता क्या होती है, गाय का रूप क्या, आप समझ पाएंगे। और यहाँ पर लगभग 15,000 के लगभग गौवंश है, और यहाँ अलग अलग बाड़े बना के गायों को रखा जाता है। ये सब सांचोरी नस्ल कहते हैं इस गाय को। और आपको सामने जो नेचुरल शेड बना हुआ है, पीछे आप चारों तरफ पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच में ये जमी है, और ऊपर पहाड़ों के ऊपर डैम बनाए गए हुए हैं। डैम से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और पूरा पेड़ों की ज़्यादा जहाँ पेड़ थे उनको बचा के रखा गया, उन पेड़ों की छाया के नीचे गाय आराम से रहती है। अभी सर्दी का मौसम है तो गौ माता सारी धूप में है, आप देख सकते हैं ना सारी गाय, अगर आप देखेंगे उनकी अडर क्वालिटी चीज़ें बाकी सारी ज़बरदस्त है। और संवर्धन के विषय पे भी यहाँ पे धीरे धीरे काम किया जा रहा है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। सांचोरी गाय है ये, जो कि कांकरेज भी कही जाती है, कांकरेज है इसमें से, जो फोरहेड लगभग पूरा दबा हुआ है, इसका पूरा दबा हुआ है तो ये कांकरेज होगी, इसका थोड़ा सा बाहर है तो ये सांचोरी में थोड़ी सी मिक्स में होगी। बहुत सुंदर गाय है, सभी गौ माताओं का आप रूप देख सकते हैं, क्या शींगों का शेप है, क्या सुंदरता है सारी गाय। वास्तव में जो गो भक्त या जो गाय को समझने वाले हैं उन्हें एक बार यहाँ पे जरूर जरूर आना चाहिए।